डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरसीआई एजु हब बानसूर ऑनलाइन क्लासेस। आज हम विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र में जो रिलेशन हमने पढ़ा था उसके ऊपर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल ट्राई करते हैं। तो कल हमने रिलेशन पढ़ा था विभव और विद्युत क्षेत्र में, तो इक्वल्स टू होता था माइनस डी वी बाई डी आर। वैक्टर फॉर्म में अगर हम बात करें तो ये होता था ई वैक्टर इक्वल्स टू माइनस डेल ऑपरेटर इंटू वी। क्लियर है? जहां जो डेल ऑपरेटर होता था इसकी वैल्यू अपने को पता है क्या होती है, और लास्ट में जो फाइनल रिजल्ट आता था अपना ई, वो होता था ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप। ये फाइनल अपना विद्युत क्षेत्र निकल कर आता था। तो देखो उसी के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चन है। किसी ने कह रहा है विद्युत क्षेत्र में विद्युत विभव को, ये विद्युत विभव का मान दे रखा है एक्स वाई जेड के रूप में, से निरूपित किया जाता है जहां वी तो है वोल्ट में है और एक्स वाई जेड जो है वो मीटर में है। अब अपने को बिंदु 1 1 1 मतलब एक्स की वैल्यू 1 है, वाई की वैल्यू 1 है, जेड की वैल्यू भी 1 है, पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण ज्ञात करना है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र का परिमाण मतलब ये है अपने को ई एक्स कैलकुलेट करना है, उसके बाद ई वाई कैलकुलेट करना होगा, उसके बाद ई जेड, ये तीनों अपने को कैलकुलेट करने हैं कि एक्स दिशा में विद्युत क्षेत्र कितना है, वाई दिशा में विद्युत क्षेत्र कितना है और जेड दिशा में विद्युत क्षेत्र कितना है। फिर सबका परिणाम ही निकाल देंगे। तो देखो परिणाम कैसे निकालते, परिणाम इसका तो ये हो जाता है ई एक्स स्क्वायर प्लस ई वाई स्क्वायर प्लस ई जेड स्क्वायर इसका अंडर रूट। तो सदिश का परिमाण निकालना हमें पता है, इस टाइप से हम निकाल देते हैं। तो सबसे पहले बात होगी हमें ई एक्स, ई वाई और ई जेड निकालना है। तो देखो ई एक्स क्या होता था, तो देखो रिलेशन होता था अपना इक्वल्स टू माइनस डी वी अपॉन डी आर। तो ई एक्स की अगर हम बात करें तो ई एक्स हो जाएगा माइनस डेल अपॉन डेल एक्स इंटू वी। इसी फॉर्मूले से हमने डेल ऑपरेटर में कल डिस्कस किया था इसके बारे में। ई वाई क्या हो जाएगा भाई, ई वाई हो जाएगा माइनस डेल अपॉन डेल वाई वी। सिमिलरली ई जेड क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस डेल अपॉन डेल जेड वी। क्लियर है? तो इस टाइप से हम ई एक्स, ई वाई, ई जेड की वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले ई एक्स को देखते हैं। देखो ई एक्स इक्वल टू हो जाएगा माइनस डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल एक्स मतलब आंशिक अवकलन करना है अपने को एक्स के सापेक्ष, किसका, वी का। तो वी की वैल्यू ये पुट कर देंगे हम 6x - 8xy - 8xy - 8y + 6yz। अब देखो x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं तो x के अलावा जो भी राशियां हैं जैसे y और z है यहाँ पर, तो उनको हम नियत मान लेंगे। तो देखो अवकलन करते हैं तो इसको अलग अलग लिख लेंगे हम, तो हो जाएगा डेल अपॉन डेल एक्स 6x, माइनस और माइनस से प्लस हो जाएगा डेल अपॉन डेल एक्स 8xy, माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा डेल अपॉन डेल एक्स 8y, माइनस और प्लस ये माइनस रहेगा डेल अपॉन डेल एक्स 6yz। क्लियर है भाई? अवकलन करते हैं एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन। तो देखो छह नियत है तो छह को तो हम यहाँ से बाहर निकाल लेंगे ऐसे, और dx by dx ये 1 हो जाएगा, तो इस 6x का अवकलन आ जाता है यहाँ पर 6 प्लस। अब देखो एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं तो 8 तो नियत होता ही, वाई को भी हम नियत मान लेंगे तो 8y बाहर आ जाएगा और ये बचेगा डी अपॉन डेल अपॉन डेल एक्स इंटू एक्स, तो ये 1 हो जाएगा प्लस 8y, ये पूरा नियत होगा तो इसका अवकलन 0 हो जाएगा माइनस, ये भी देखो y और z नियत हैं, 6 भी नियत है, तो ये भी पूरा नियत हो जाएगा, इसका भी अवकलन 0। तो यहाँ पे आ गया ये अपने पास 8y माइनस 6, और अपनी जो x की वैल्यू है वो क्वेश्चन में देखो कितनी दे रखी है, एक्स वाई जेड तीनों की वैल्यू 1 है, तो x की जगह हम 1 पुट कर देंगे यहाँ पर, y की जगह भी 1, तो केवल y है तो y की जगह हम 1 पुट कर देंगे, तो हो जाएगा 8 × 1 - 6 = 2। तो ई एक्स निकल गया अपने पास 2, तो यहाँ पे हम लिख देंगे ई एक्स की वैल्यू कितनी आई भाई अपने पास 2। अब हम निकालेंगे ई वाई, तो ई वाई निकालेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो ई वी निकालेंगे तो यहाँ पर डेल अपॉन डेल वाई हो जाएगा, बाकी कहानी यही रहेगी। इसको अब आउटलाइन कर देते हैं, इसका
इनको अलग अलग करके लिख लो तो हो जाएगा माइनस डेल अपॉन डेल वाई सिक्स एक्स, माइनस और माइनस से प्लस हो जाएंगे, डेल अपॉन डेल वाई एट एक्स वाई, माइनस माइनस से प्लस हो गए, डेल अपॉन डेल वाई एट वाई, माइनस प्लस माइनस रहेगा, डेल अपॉन डेल वाई सिक्स वाई जेड। क्लियर है भाई? तो इस टाइप से आप इनका आकलन कर लेंगे, वाई के सापेक्ष आकलन करेंगे इस बार। तो वाई के अलावा जो एक्स और जेड हैं उनको अपने को नियत मानना है। तो देखो यहाँ पर एक्स नियत हो जाएगा, सिक्स तो नियत है ही, तो पूरी राशि नियत है, तो इसका आकलन जीरो हो जाएगा, तो माइनस का ही जीरो। प्लस इसमें देखो एट एक्स नियत है वो बाहर आ जाएगा, और अंदर बचेगा डी वाई बाई डी एक्स, उसकी वैल्यू वन हो जाएगी। प्लस एट वाई, इसमें से एट को बाहर निकाल देंगे, डेल वाई बाई डी एल वाई ये वन हो जाएगा। माइनस इसमें देखो सिक्स नियत है, जेड भी नियत होगा, तो सिक्स जेड को हम बाहर निकाल देंगे, तो डेल वाई ये वन हो जाएगा। क्लियर है भाई? अब इसको लिख लो तो ये हो जाएगा एट एक्स माइनस सिक्स जेड, एट एक्स माइनस सिक्स जेड प्लस एट। तो अपने को क्वेश्चन में एक्स और वाई जेड तीनों की वैल्यू वन वन गिवन है वहाँ पे, तो यहाँ पे एक्स की जगह भी हम वन पुट कर देंगे, जेड की जगह भी वन पुट कर देंगे, और इसको सिंपलीफाई कर लेंगे। तो देखो ये हो जाएगा आठ और आठ सोलह, सोलह में से छः घटाएंगे तो ये बच जाएगा अपना 10। तो देखो ई वाई की वैल्यू आ गई अपनी 10। क्लियर है भाई? अब हम निकालते हैं ई जेड। तो ई जेड के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर वाई की जगह जेड पुट कर देते हैं, और ये v का मान रख देंगे। इसको सिंपलीफाई करते हैं अब, सेम वही मेथड रहेगा इस बार, z के सापेक्ष आंशिक अवकलन कर रहे हैं, तो z के अलावा जो भी राशियां हैं सबको नियत मान लेंगे x और y को। तो देखो इसको लिख लेते हैं, डेल अपॉन डेल z सिक्स एक्स, माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, डेल अपॉन डेल z एट एक्स वाई प्लस डेल अपॉन डेल जेड एट वाई माइनस डेल अपॉन डेल जेड सिक्स वाई जेड। क्लियर है भाई यहाँ तक? अब देखो एक्सिस जेड के सापेक्ष आंशिक अवकलन करना है, तो जेड के अलावा सारी राशियां नियत रहेंगी, तो देखो ये पूरा नियत हो जाएगा सिक्स एक्स, तो इसका अवकलन जीरो हो जाएगा, तो माइनस जीरो। प्लस इसमें जेड के सापेक्ष कर रहे हैं तो पूरा नियत हो जाएगा, तो इसका भी अवकलन जीरो। प्लस एट वाई, देखो जेड के सापेक्ष कर रहे हैं तो वाई भी नियत रहेगा, तो इसका अवकलन भी जीरो। माइनस डेल अपॉन डेल जेड, देखो इसमें सिक्स वाई तो नियत है, उसको तो बाहर निकाल देंगे, और डेल जेड अपॉन डेल जेड ये वन हो जाएगा, तो इसका आ गया सिक्स वाई, तो माइनस सिक्स वाई, ई जेड की वैल्यू आ गई। तो y की वैल्यू क्वेश्चन में अपने को वन गिवन है, तो y की जगह हम वन पुट कर देंगे, तो हो जाएगा माइनस सिक्स इंटू वन, दैट इज माइनस सिक्स। तो देखो हमने ई एक्स ई वाई ई जेड तीनों की वैल्यू हमने निकाल ली है। अब इस विद्युत क्षेत्र का परिमाण निकालना है, तो परिमाण के लिए आपको बताया था फॉर्मूला हो जाएगा अपना इक्वल्स टू ई एक्स स्क्वायर प्लस ई वाई स्क्वायर प्लस ई जेड स्क्वायर का अंडर रूट, जहां ई एक्स है देखो टू, तो टू का स्क्वायर प्लस ई वाई 10 का स्क्वायर प्लस ई जेड है माइनस सिक्स, इसका स्क्वायर तो हो जाएगा देखो 4 प्लस 100 प्लस 36, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 140, दैट इज आंसर। मात्रक की अगर हम बात करें तो विद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है न्यूटन पर कूलाम या फिर वोल्ट पर मीटर, ठीक है, दैट इज आंसर। ओके, एक छोटा सा क्वेश्चन जो कि कंपटीशन के हिसाब से काफी इंपोर्टेंट है, उसको हम ट्राई करते हैं इसके बाद। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ए त्रिज्या का गोला है, ये एक्स और वाई निर्देशांक हैं, एक्स वाई एक्सिस है, ये मूल बिंदु है जिसका केंद्र है गोले का 0 0,
इसकी त्रिज्या है गोले की ए, तो इसके निर्देशांक हो जाएंगे देखो ए कोमा जीरो, ये हो जाएगा 0, a, ऐसे ही इसके निर्देशांक हो जाएंगे माइनस ए कोमा जीरो, और ये हो जाएगा 0, -a, क्योंकि एक्स एक्स के ऊपर वाई की वैल्यू 0 होती है और वाई एक्स के ऊपर एक्स की वैल्यू 0 होती है, इसलिए इसके निर्देशांक हो जाएंगे। अब मान लो इन बिंदु का नाम ये बिंदु ओ है, ये बिंदु ए, ये बी, ये सी और ये बिंदु डी। ये जो गोला है ये एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है, इस विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है। आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो ऑप्शन ए है वी ए इक्वल्स टू वी बी इक्वल्स टू वी सी इक्वल्स टू वी डी, ऑप्शन बी है वी डी इज ग्रेटर देन वी बी इक्वल्स टू वी सी ग्रेटर देन वी ए, ऑप्शन सी है वी डी इज लेस देन वी बी प्लस वी सी और वी ए, क्लियर है। ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज, मतलब इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो चेक करो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो देखो लॉजिक क्या लगाएंगे, अपने को पता है विद्युत क्षेत्र की दिशा ये है, वी ए का मतलब है ए बिंदु पर विभव, वी बी का मतलब है बी बिंदु पर विभव, वी सी का मतलब है सी बिंदु पर विभव, वी डी का मतलब है डी बिंदु पर विभव। तो ऑप्शन ए कह रहा है कि भाई सभी बिंदु पर विभव समान होगा, तो देखो बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की दिशा में विभव का मान घटता है, तो सबसे ज्यादा विभव डी पर होगा, उसके बाद बी और सी दोनों एक ही जगह पर हैं, मतलब एक ही लाइन के ऊपर हैं, विद्युत क्षेत्र की दिशा की अगर हम बात करें तो ऐसे तो ये सेम जगह पर हैं, तो इन दोनों पर विभव समान होगा बी पे और सी पे, और सबसे कम जो विभव होगा वो ए पर होगा क्योंकि विद्युत क्षेत्र की दिशा में विभव घटता जाएगा। तो ऑप्शन डी है बी है जो करेक्ट है, क्योंकि ये कह रहा है कि डी बिंदु पर विभव सबसे ज्यादा होगा, फिर बी और सी पे बराबर होगा और ए पर सबसे कम होगा, क्लियर है। तो इस टाइप के क्वेश्चन अपने को पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, और कोई डाउट हो तो आप क्लियर कर सकते हैं उसको। थैंक यू।